आज के बाद कल भी आता है, कल के बाद परसों भी आता है, और परसों आएगा, परसों आएगा। जनता गवाह। मैंने ये तय किया है कि आज मैं राज्यपाल को अपना सेवा दूंगा, और इसका कारण एक ही है, जिस सिद्धांतों और मूल्यों का पालन मैंने किया, मैं वो नीलामी और सौदे की राजनीति में कभी पड़ा नहीं। मैंने साफ और स्पष्ट राजनीति करी, मैंने मूल्यों की राजनीति करी, और मैंने हमेशा कहा, और पूरा मीडिया और पूरी जनता गवाह, कि 15 साल के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में कोई नहीं मेरे ऊपर उंगली उठा सकता। मेरे 40 साल में जब मैं सांसद रहा, कोई मेरे ऊपर उंगली नहीं उठा सका। मैंने तो सदन में कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में मैंने किसी मंत्री को या मुख्यमंत्री को कभी फोन नहीं किया, कभी निजी काम के लिए, कभी किसी सिफारिश के लिए मैंने फोन नहीं किया। अगर मैंने किया तो छिंदवाड़ा के विकास के लिए किया, ये तो मैंने सदन में कहा था, और इन मूल्यों का मैं पालन हमेशा करता रहूंगा। यही मेरी मजबूती है, यही मेरी शक्ति है। मेरे कांग्रेस परिवार के हर सदस्य, मेरे कांग्रेस परिवार के हर सदस्य का जो हमारा प्यार का संबंध है, प्यार का संबंध है, हम सब मिलकर आगे आने वाले समय की चुनौतियों का सामना करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। लोकतंत्र में ये बड़ी विडंबना आ गई है कि जनता किस हेतु के लिए आपको चुन के पहुंचाती है, क्षेत्र में क्या करने के लिए पहुंचाती है, और आने के बाद आप क्षेत्र को नज़रअंदाज कर दें और स्वयं को सोचने लगें तो ऐसी परिस्थितियां पैदा हो जाती हैं। देखिए, मैं निष्पक्ष हूं, जो मेरे विषय में बात लाई जाती है उस पर मैं विचार करता हूँ। आरोप लगाना, प्रत्यारोप लगाना तो राम के ऊपर भी लगा दिया था, माँ सीता के ऊपर भी लगा दिया था एक व्यक्ति ने, तो हम इसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं।